विगत दिवस महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी के साथ महाकाल क्षेत्र के कहारवाड़ी स्थित आश्रम में हरिद्वार से आए संतों के द्वारा मारपीट व अभद्रता करने की घटना हुई थी, जिसकी शिकायत महाकाल थाने में दर्ज नहीं की जाने से क्षुब्ध होकर साध्वी ने एसपी सचिव शर्मा से मिलकर पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए हरिद्वार से आए ज्योतिर्मय आनंद सहित दो अन्य संतों के द्वारा अश्लील अभद्रता करने की घटना के बारे में भी बताया। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होने से साध्वी ने प्रेस वार्ता लेकर पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने उज्जैन के सारे पुलिस अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए मगर आज तक मेरी FIR दर्ज नहीं हो पाई। आगे बताया कि संतों की मदद के लिए अखाड़ा परिषद बनाया गया है, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविन्द्र पुरी जी महाराज भी इस घटना पर मौन है। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा क्योंकि धर्म व्यापार बन गया है। यदि समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मैं प्रधानमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाऊंगी। मेरे साथ गलत हुआ है, मैं उज्जैन की पुलिस एसपी डीएसपी सीएसपी सबके दरवाजे बजा बजा के मैं थक चुकी हूँ। मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही है, ठीक है, परंतु आज मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद क्यों बनाई गई है? संतों की मदद के लिए, ठीक है, एक महिला की मदद के लिए, एक संत पुरुष की मदद के लिए जब वो परेशानी में आता है तो मैं माननीय जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविंदर पुरी जी महाराज जो निरंजनी अखाड़े के हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप भी कब तक मौन रहोगे? जब तक अपने साधुओं की इज्जत लुट जाएगी, सनातन धर्म बर्बाद हो जाएगा, तब आप मुंह खोलोगे? स्वामी जी, मैं आपसे भी प्रार्थना कर रही हूँ कि अब तो आपको ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ धर्म तो बना व्यापार रे गोविंद। धर्म से उन्होंने इतने लोगों को जोड़ लिया कि उनके जितने चेले हैं सबको फोन लगा रहे हैं और चेले बोल रहे हैं जी मंदाकिनी की रिपोर्ट ना लिखी जाए, मंदाकिनी की रिपोर्ट अन्यथा आपकी FIR नहीं होती। कौन किन किन पे है आपका? ज्योतिर्मय आनंद, मेन आदमी ज्योतिर्मय आनंद, उसने मेरे साथ